तो कौन है भैया विश्व में सर्वश्रेष्ठ यानी कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक? हम फर्स्ट। अबे जाना, एशिया में तो नंबर चार पे फिनिश किया और बड़े हैं नंबर एक विश्व में बनने वाले। लेकिन दोस्तों हमारी अपनी भारतीय टीम बन चुकी है विश्व में नंबर एक, और सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं भैया, तीन के तीनों फॉर्मेट में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है। 2014 में साउथ अफ्रीकन टीम ने ये किया था, और 2023 में हमारी भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। विश्व कप के जस्ट पहले हम विश्व गुरु बन चुके हैं, सारी रैंकिंग्स में नंबर एक बन चुके हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और भाई सच कह रहा हूँ तुम लोगों से, आधे पाकिस्तानी तो बेचारे ये सोच के डिप्रेशन में चले गए कि वो नंबर वन थे भी। मतलब उनको खुद विश्वास नहीं होता कि हमारी टीम नंबर एक हो सकती है। अभी जब उनको हरा के हम लोग आगे बढ़े हैं ना, तो उनका ये रिएक्शन था कि क्या मतलब इसके पहले हम नंबर वन थे, कब हो गया ये? तो भाई कल का मुकाबला तो आपने देखा ही होगा, मुकाबला देखने लायक था भी तो भैया, क्योंकि एक समय पर जब हमारे विराट भाई, रोहित भाई नहीं खेले थे, सिराज भाई को रेस्ट दे दिया गया, तो हमें लगा कि भैया आज लंका लग गई, हो गया ये मुकाबला तो हमारे हाथ से गया। लेकिन अपने केएल भाई भी आते हैं और केएल भाई छा जाते हैं, जलवा है हमारा। और भाई बस यही लाइन दोहराते हैं कि डरे हैं जिम करे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे टीमों को लपेट दे जब जब मन करे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी हाँ दोस्तों, कौन विश्वास करेगा कि विश्व कप के जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी माइटी टीम के अगेंस्ट हमारी बी टीम जाके वन साइडेड मुकाबला बना दे रही है। लेकिन भैया हाल फिलहाल का हाल ऐसा ही हो रखा है। और सच कह रहा हूँ भाई, ये सारी चीजें देख करना हम भारतीय फैंस का बस यही रिएक्शन आ रहा है कि तुम मुझे अब होप देने लगे हो। जी हाँ दोस्तों, तंग नहीं कर रही है भारतीय टीम, बहुत ज्यादा होप दे रही है, और ये होप हमारी लोप ना हो बस यही कामना करते हैं। क्योंकि विश्व कप के लिए इसके पहले हम यही सोच रहे थे कि भाई क्या ही है, सेमीफाइनल फाइनल हार जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं है, अपने इनको टेंशन नहीं लेनी है, बिना उम्मीद के देखने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हमारी भारतीय टीम नंबर एक बन जा रही है, एशिया कप जीत जा रही है, केएल भाई फॉर्म में, सूर्या भाई फॉर्म में, ओपनर परफॉर्म, बॉलर परफॉर्म, मतलब ए देवा रे देवा, ये इतनी चीजें एक साथ सितारे बन रहे हैं ना, सितारे अलाइन हो रहे हैं कि अब हम यही कह रहे हैं कि भैया अब तो वर्ल्ड कप जीत जा रहे हैं। क्योंकि अब अगर हार्ट ब्रेक हुआ ना, तो मेरा तो भैया पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा, और वो हम नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा डर लगता है। एनीवे दोस्तों, अगर बातचीत की जाए मुकाबले की, तो शुरुआत में हमारे फील्डिंग एफर्ट देख करना मुझे लग रहा था कि ये लाइन मुझे फिर से दोहरानी पड़ेगी, कि इसीलिए तुम लोगों से बोलता हूँ कि पाकिस्तानी फील्डर से और उनकी टीम से दूर रहा करो, फिर ऐसे नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। बात तो सही है। लेकिन भाई वही बात है ना कि जो ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब किस्मत में ये पापा की परी तो क्यों चाहिए 14 फरवरी। केएल भाई के लिए यही हाल है कि भाई वो कुछ भी कर रहा है ना इस वक्त, वो सोना ही बन जा रहा है। मतलब वो कीपिंग में लोचे भी कर रहा है ना, तो वो भी रनआउट और स्टंपिंग बदल जा रहा है, और उसको देखकर तो मुझे वो सन ऑफ सरदार वाली सीन ही आ गई थी कि वो नारियल कैसे हाथ में आ जाता है। बिल्कुल वही सीन यहाँ पर हमें इस मुकाबले में देखने को मिला था केएल भाई के साथ। हालांकि दोस्तों एक समय पर जब ठाकुर को ठोकने पर ऑस्ट्रेलिया टीम उतर आई थी, तो हमें लग रहा था कि भैया सिर्फ 5 बॉलर के साथ उतरना ना आज हमें महंगा पड़ जाएगा। लेकिन फिर आते हैं शामी भाई और कहते हैं कि अपन यहाँ पर है तो फिर टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, 5 विकेट चटका लेते हैं, और सिरदर्द यहाँ पर बढ़ाते हैं हिटमैन शर्मा का। दिमाग में टेंशन बहुत है, क्योंकि एक तरफ भैया सिराज ले रहे हैं 6 विकेट, एक तरफ शामी ले रहे हैं 5 विकेट। अब रोहित भाई भी बोलेंगे कि भाई किसको रखने का तो किसको रखने का, किसको खिलाने का, किसको बिठाने का, ये बहुत समस्या है रे बाबा। पर ऐसी समस्या ना हर टीम चाहती है, और वो यहाँ पर भारतीय टीम के साथ हो रहा है। और भाई रही बात अगर हमारे बल्लेबाजी की, तो हमारे दोनों ओपनर्स जिस तरीके से चले हैं, युवा ओपनर्स ना, इसको देखकर ऑस्ट्रेलिया वाले तो रिटायरमेंट ही घोषित कर देंगे, और इंडिया वाले हमारे जो रेस्ट कर रहे हैं वो बोलेंगे कि भैया जल्दी जल्दी चलो खेलना शुरू कर दो, वरना ये दोनों जैसे खेल रहे ना हमारा वर्ल्ड कप स्पॉट तो चला ही जाएगा। हालांकि दोस्तों कल गिल और ऋतु फैंस के लिए थोड़ी सी ऋतु अलग बह रही थी, बेचारे बड़े कंफ्यूज थे कि यार हमें दोस्ती करनी है या नहीं करनी है। मतलब हम दोनों तो हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन अब जब ये दोनों मैदान पर एक साथ खेल रहे हैं तो हम लोगों को करना क्या है, मतलब दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है? अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या। एनीवे दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई गिल भाई ने यहाँ पे 74 रन की पारी खेली, शतक क्यों नहीं जड़ा, तो उसका कारण था कि उन्होंने भी बाबर भाई को बोला कि चल भाई अब थोड़ा दिन ना तू नंबर वन रह ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अपन इज्जत से हटाएंगे तुम्हें, और जब हटाएंगे तो हमेशा के लिए नंबर वन बन जाएंगे। तो कुछ दिन उनको रहने के लिए उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। लेकिन भाई एक बंदा जिसको कल अपनी विकेट बिल्कुल नहीं गंवानी चाहिए थी, वो थे हमारे श्रेयस भाई। और जिस तरीके से उनके हालात हाल फिलहाल में चल रहे हैं ना, अगर उनको एक बार फिर से बैक स्पाज़म का बहाना देकर टीम ने बैठा दिया ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अय्यर भाई, 2 मुकाबले बचे, आप जल्द से जल्द परफॉर्म करें, आप यहां पे टीम में फॉर्म में आएं, क्योंकि आपकी हमें भी बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस वक्त आपको फॉर्म में आना आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ना फैसला किया है, करेक्ट फैसला किया, तू कुछ नहीं कर सकता। एनीवे दोस्तों, वैसे तो मुकाबला पूरा एक तरफा ही था, लेकिन एक तरफ एडम जंपा भाई जब आते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई इनके पास 99 समस्या हो सकती है, पर भैया भारत की विकेट लेना इनके लिए कभी समस्या नहीं होती। ये काम ये परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के जैसे करते रहते हैं, और कल के मुकाबले में भी करके दिखाया। हालांकि दोस्तों जब स्काई भाई आए, तो हमें ये लगा कि भाई एक गेंद खेल लेना, बस तुम एक गेंद खेल लेना उतना ही बहुत है। लेकिन स्काई भाई ने बोला कि प्लान अलग है भाई, केएल की कप्तानी में जब सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, मतलब सारी चीजों पर उनका यही रिएक्शन है, कभी-कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। फिर भैया स्काई के ओडीआई पुश को कोई कैसे रोक सकता था, और स्काई फ्लाइंग हाई ओडीआई में भैया उनको यहां पर एक लिफ्ट ऑफ मिल चुका है, जिसकी सख्त जरूरत थी। और उम्मीद करते हैं कि विश्व कप के पहले वो ऐसे
ही अब चलते रहे, चमकते रहे और विश्व कप में भी धूम धड़ाका मचाते रहे, क्योंकि भारतीय टीम ने उन्हें बहुत ज्यादा बैक किया। राहुल द्रविड़ भाई भी बोलेंगे कि चल भाई इतनी मेहनत हमने आपके पीछे की, कम से कम अब आप उसे पेड ऑफ कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे वो ऐसा करते ही रहे। हालांकि दोस्तों अगर रही बात पाकिस्तान टीम की, तो इनके लिए तो भैया डर का ही माहौल है। हालांकि मैं इनसे यही कहूंगा कि आपने घबराना नहीं है, मतलब एक तरफ इनकी टीम की रैंकिंग भी हम लेकर गए, दूसरी तरफ बाबर भाई की पोजीशन भी बहुत जल्द शुभमन भाई खाने ही वाले हैं। और इसी बीच इन्होंने अपना विश्व कप स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है, जिसमें भैया हसन अली साहब की वापसी हुई है, द ग्रेट लीजेंड हसन अली। और भैया इनको मैं यही सजेशन दूंगा कि इस बार अगर एकाध विकेट मिली ना, तो सेलिब्रेशन थोड़ा आराम से करना, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था हम नहीं चाहते आपके साथ फिर से वो। तो मैं दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। भैया भारतीय टीम नंबर एक बन चुकी है, ऑस्ट्रेलिया को पहले ओडीआई में हमने हरा दिया है, सब कुछ हमारे लिए एकदम भैया अलाइन हो रहा है विश्व कप से पहले, और उम्मीद है कि ऐसी सारी चीजें चलती रहे। विश्व कप में भी भैया धूम धड़का हमारी भारतीय टीम मजा है। कितना आप खुश हैं, कितना सेटिस्फाइड है, कितना मजा आया कमेंट में लिखकर बताइए। कुछ और वीडियोस अटैच कर दे रहा हूं, देख लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर से हर दिन की तरह, मिलेंगे सुबह ही। अब अगर घंटा वंटा दबा के सब्सक्राइब कर लोगे तो जल्दी जल्दी मिल जाया करेंगे, नहीं करोगे तो थोड़ा देर में मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो फैमिली का हिस्सा बनोगे। मिलते हैं बहुत जल्द।